यूपीआर तीन हाल का हालत जो बहुत ही खराब है सर, तो आप लोग क्या सर आज खुद से इनिशिएटिव लेके बनाए? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली रोड कंडीशन ख़राब था, इस वजह से एक तो बहुत बिजी जंक्शन है, उसके ऊपर से रोड कंडीशन भी ख़राब होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पब्लिक को भी इशू रहता है और ट्रैफिक रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमने आज पब्लिक से सपोर्ट लिया और हमारे टीम के साथ मैं आया, नाहरलगन पुलिस स्टेशन OC एंड DSP ट्रैफिक और OC ट्रैफिक सब हम सब मिल के यहाँ आए हैं। ITW के लड़के भी हैं जवान और बाकी हमारे पुलिस के जवान हैं, तो 2 JCB हमने पब्लिक के सपोर्ट से लिया है और उसी को यूज़ करके थोड़ा सा बस गड्ढा भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो गड्ढे भर जाएंगे तो एटलीस्ट जो इनिशियल प्रॉब्लम होता है पब्लिक को कि टोटली स्लो डाउन हो जाता है वो नहीं हो, तो यही आइडिया है और हम कोशिश करेंगे होपफुली इन फ्यूचर बेटर वर्क इसको हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सर सब डिस्कशन में है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, ये क्योंकि अभी इमीडिएट प्रॉब्लम था तो जो हमें दिखाई मिला तो हम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे, वो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो डूइंग एंड दिस इज जस्ट फ्रॉम आवर साइड कि यहाँ पे इमीडिएट इशू दिखा एंड आई थॉट कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार हम कर लें, फ्यूचर में डेफिनेटली लाइक आई सेड परमानेंट काम बाद में होना है। हाँ डेफिनेटली, देखो जहाँ पे तकलीफ होगी तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि तकलीफ को हम हल करें, डेफिनेटली परसों बहुत काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था, आई डेफिनेटली एग्री एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली। यहाँ तो नाहरलगन में ट्रेडिशनली बिकॉज रोड थोड़ा छोटा है और बहुत सारे कट्स हैं और ट्रैफिक वॉल्यूम भी ज़्यादा है क्योंकि नाहरलगन एक तरह से कमर्शियल सेंटर भी है, तो उस वजह से यहाँ पे ट्रेडिशनली ज़्यादा ट्रैफिक रहा है, लेकिन एक आध बार हो जाता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है एंड स्पेशली अभी क्योंकि 4 लेन आ रहा है हमारे पापूनाला तक, उसके बाद 2 लेन हो जाता है, तो ये बॉटल नेक की तरह है जिसमें ट्रैफिक जाम होना ही है, ये दिस इज़ बेसिकली फिजिक्स, इसमें कोई मतलब किसी और का कुछ कह नहीं सकते, ये तो फिजिक्स की बात है, तो जब फुल 4 लेन हो जाएगा डेवलपमेंट तब ठीक हो जाएगा, सो इट इज़ अप टू टाइम, समय से धीरे 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 हमारे यहाँ भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सर आप कैपिटल का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो आप सर आप इतना रेस्पॉन्सिबल पोजिशन में होके एक सोशल सर्विस करने के लिए आगे आए हैं, तो सर आम जनता को भी ऐसा करना है क्या कि मेरा सामने में अगर कुछ प्रॉब्लम है हम गवर्नमेंट को ऐसे मतलब गवर्नमेंट को नहीं रोक के हम आपने से करना है, इसे तक का कुछ मैसेज देना चाहिए एक वर्क करके? डेफिनेटली इट इज़ आवर सिविक ड्यूटी कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अपने कैपेबिलिटी से बाहर जाएं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली छोटे छोटे सिविक सेंस ज़रूरी है, आपके घर के बाहर कूड़ा ना फेंकें, उसके बाद रोड को साफ रखें, आपका अगर घर के बाहर में थोड़ा सा इश्यूज है तो उसको आप छोटा मोटा ठीक कर सकते हैं, पार्किंग सही करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हमारा सोशल एटिकेट्स है कि आने वाले को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना आपको जाने में लगता है, तो इस तरह से अगर आप जनरल रेस्पेक्ट करेंगे तो आपके लिए ही नहीं सबके लिए सुधार धीरे धीरे आएगा और हमारा सोसाइटी भी जो है एक सुधार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड आई थिंक ये हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, डेफिनेटली स्पीड का फ़र्क है, कितना जल्दी होगा वो हम कह नहीं सकते, हमारी कोशिश है कि इसको जितना और तेज़ करा सकें, पब्लिक के लिए एग्जाम्पल बन सकें, हम कोशिश ज़रूर करेंगे।